नमस्कार दोस्तों, मैं अमित यादव। दोस्तों, हाथरस का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है और अब कई और जगह से रेप की खबरें आ रही हैं। हाथरस के मामले को लेकर अभी देश में खूब हड़कंप मचा है, पूरा देश गुस्से में भी है। हाथरस के जो आरोपी हैं, पूरा देश मांग कर रहा है कि उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए और जरूरी भी है, ऐसे लोगों को फांसी से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब एक और केस मध्य प्रदेश से आ रहा है। मध्य प्रदेश में 3 लोगों पर एक नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा है। 3 लोगों पर आरोप है कि ये तीनों बाइक पर आए थे और नाबालिग को खींच कर ले गए और दुष्कर्म को अंजाम दिया। पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। यह घटना मध्य प्रदेश की जिला खरगोन का है और खरगोन की एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने इस मामले में इंडिया टुडे को बताया है कि यह घटना चैनपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार बुधवार की रात को हुई थी। पीड़िता आधी रात को अपने भाई के साथ खेत की रखवाली कर रही थी और उसी दौरान 3 लोग आए और उस लड़की का जो भाई था उसे बुरी तरह डंडे से पीटे और लड़की को उठा ले गए और गैंगरेप किया। और लड़की के भाई ने जैसे तैसे गांव पहुंचकर गांव वालों को घटना के बारे में बताया और इस बात को सुनकर गांव वाले खेत की ओर भागे। तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, वह भी जान लीजिए। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी जिस बाइक पर आए थे वह बाइक भी चोरी की थी। इस मामले को थाने में दर्ज कर लिया गया है। लड़की की मेडिकल जांच भी कराई गई है और आगे की जांच अभी जारी भी है। दैनिक भास्कर में भी इस आरोप के बारे में लिखा है। क्या लिखा है दैनिक भास्कर में? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 3 लड़कों ने मेरा मुंह कपड़ा से बांध दिया था ताकि मैं चिल्ला ना सकूं। उन्होंने रेप के बाद मुझे लात घूसों से पीटा। मुझे लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगी, लेकिन कुछ लोगों को आता देख वो मुझे छोड़कर भाग गए। इन सब घटनाओं के बाद न्याय मिले या ना मिले, लेकिन नेताओं का चोचुला जरूर सुनने को मिल जाता है। इस मामले के बारे में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी मासूम बहन बेटियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं रोज हो रही हैं, लेकिन पता नहीं कब शिवराज सरकार जागेगी और ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। मध्य प्रदेश में यह इकलौता घटना नहीं है, और भी आपको घटना बताएंगे। और भी घटनाएं हुई है ऐसे ही, जैसे खरगोन में मासूम बेटी के साथ दरिंदगी की घटना, सीहोर में किसान ने फिर खुदकुशी कर ली, वह घटना मध्य प्रदेश की है। और एक घटना है राजधानी भोपाल में, एक युवा ने रोजगार न मिलने पर खुदकुशी कर ली। इन सारी घटनाओं के बारे में जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि शिवराज सरकार कुंभकर्ण वाली नींद अब तोड़ दीजिए और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब तो जागिए। इस वीडियो के बारे में आपका क्या मत है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।